अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज मैं बनाने लगा हूँ कैमल जॉइंट्स, कैमल के पाए। ये माशाल्लाह बहुत ताकतवर पावरफुल होते हैं। ये मैंने मसाले रखे हैं, ये देखिए जॉइंट्स पड़े हैं, इसके पीस के ये मसाले रखे हैं मैंने। रेड चिल्ली, टिक्का मसाला, ग्रीन चिल्ली, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, मिक्स स्पाइसेस पाउडर, रेड चिली, गड़ा मिर्च, हल्दी, देखिए ये ज्वाइंट के अंदर, हड्डी के अंदर कितनी बड़ी जो है ये उसकी नली जो होती है, ये देखें बहुत बड़ी है। तो ये है भी बहुत पावर हो ताकत, ये पीनी चाहिए सर्दियों के लिए, सूख हड्डियों के लिए बहुत ताकतवर होता है। इसका फ़ायदा ही बहुत ज़्यादा है। आप लोग सर्दी में ये यूज़ किया करें। अब इनको पानी में डालकर हम बॉयल करते हैं। हमें इनको एक घंटे के लिए हमें रखना पड़ेगा प्रेशर कुकर में। और हम इसमें ये मिक्स मसाले डाल देते हैं ऐसे पानी के अंदर। ये हमने मसाले डाल दिए हैं, यहाँ से ये देखे मैं ये ओनियन कटिंग कर रहा हूँ, प्याज की कटिंग। ये गार्लिक की कटिंग कर रहा हूँ मैं, लहसुन की। अब ये ग्रीन चिली सफेद मिर्च की कटिंग कर रहा हूँ। अब मैं इसमें ये टमाटर के स्लाइस काट रहा हूँ। इस तरह टमाटर की कटिंग शुरू कर दी, इस तरह टमाटर काट लेनी। टमाटरों को भी हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इनको एक घंटे के लिए बंद करके रख देंगे। ये मैंने ऑयल लिया फ्राई पैन में, और ऑयल में ये मैंने सब्ज़ मिर्च और ये गार्लिक वो डाल दिया है। इसमें इसको हमने नमक डाल के इसको ब्राउन करना है, फिर इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। ये साथ में ये साल्ट डाल दूँ मैंने, वो डाल दिया इस तरह। अब ये अब ये देखें बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, पक गया। तो इसका खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है, बहुत अच्छा जायका आएगा इसका। और हम इसको प्रेशर कुकर को हम चेक करते हैं, हमारा घंटा हो चुका है तो ये भी तैयार हो गया। देखिए हमारा पानी जो है ये आधे से भी कम रह गया है,
अब हम इसमें ये जो चीज़ें हमने फ्राई की है मसाला, वो हम इसके अंदर डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। ये देखिए अंदर से किस तरह पकती हुई माशाल्लाह खुशबू आ रही है। और ये देखिए पानी इसमें थोड़ा रह गया, ये जो ब्राउन किया हुआ है गार्लिक, अब हम इसके अंदर ये इस तरह डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह इसकी रंगत भी कितनी प्यारी खूबसूरत। अब हमने इसके अंदर ये देखे ऐसे ये डाल रहे हैं, और ये इसके अंदर हमने डाल दिया है। और ये देखें माशाल्लाह इसका कलर रंग और कितना प्यारा खूबसूरत ये तैयार हो चुका हुआ है, बिल्कुल थिक हो गया है, ये देखने में खूबसूरत लग रहा है। और ये बहुत ताकतवर है, आप लोगों को ये यूज़ ज़रूर करना चाहिए, सर्दियों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, में ताकत देता है, जोड़ों को दर्द को रोकता है। अब हम इसको इसमें डाल लेते हैं बोल में। ये देखें ये जो तैयार हो गया, हम इस बड़ी ट्रे में डाल रहे हैं। ये देखें कितने प्यारे और ख़ूबसूरत माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। और ये देखें इस तरह माशाल्लाह ये हमारी ट्रे सारी भर जाएगी, बहुत खूबसूरत प्यारी है। ये देखें हमारी ट्रे फुल हो चुकी है। ये देखें ग्रेवी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। और ये देखें इसमें पीसेस कितने प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। जॉइंट्स जो हैं पाए हमारे बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, खुशबुएँ फैल रही हैं और देख कर दिल खुश हो रहा है। आप लोग भी ऐसे ट्राई करें, घर में इसी रेसिपी से बनाएँ और इसी तरह माशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे, यकीनन टेस्टी आएंगे और आपको ये रेसिपी भी यकीनन पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।